वेलकम टू ट्रेंडिंग ऑन। आज का ट्रेंडिंग टॉपिक है गौतम अडानी। कैसे इतना बड़ा साम्राज्य चंद दिनों में एक रिपोर्ट से ही ढह गया। और बात करेंगे राम रहीम की पेरोल की भी, सबसे पहले बात गौतम अडानी की। अब आप जो ये स्क्रीन पर लिस्ट देख रहे हैं, ये है ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स, यानी दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची। दरअसल एक हफ्ता पहले तक इसमें भारतीय कारोबारी गौतम अडानी नंबर 3 पर थे, जो आज नंबर 21 पर पहुंच गए हैं। ये सब कैसे हुआ, आज इसी के बारे में बात करेंगे। हर बीतता दिन गौतम अडानी की नेटवर्थ में बड़ी गिरावट लेकर आ रहा है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक गौतम अडानी अब दुनिया के 20 सबसे अमीर लोगों की लिस्ट से भी बाहर हो गए हैं। विदेश की नामी फाइनेंस एजेंसियां अडानी ग्रुप के बॉन्ड को लेकर वार्निंग जारी कर रही हैं। दरअसल हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद 8 लाख करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हो चुका है। अडानी ग्रुप पर आई रिपोर्ट की चर्चा सेंसेक्स से देश की संसद तक पहुंच चुकी है। विपक्ष ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने के लिए संसद में जमकर हंगामा काटा। विपक्ष की मांग है कि अडानी ग्रुप पर लग रहे आरोपों पर चर्चा होनी चाहिए और इसकी जांच के लिए JPC का गठन होना चाहिए। इस चक्कर में सदन भी स्थगित हो चुका है। अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पब्लिश होने के बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में लगातार नीचे जा रहे हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने गौतम अडानी के साम्राज्य को हिलाकर रख दिया है। अडानी ग्रुप का आगे क्या होगा, आज पूरी दुनिया की नज़रें अडानी ग्रुप पर हैं। निवेशक, लोन देने वाले बैंक और आम लोग सब टकटकी लगाए अडानी ग्रुप की तरफ देख रहे हैं। अडानी ग्रुप गौतम अडानी की नेटवर्थ में आई गिरावट के चलते अब वे अरबपतियों की लिस्ट में खिसक कर 21वें पायदान पर पहुँच गए हैं। उनकी कुल संपत्ति घटकर $61.3 अरब रह गई है और बीते 24 घंटों में उन्हें $10.7 अरब का नुकसान हुआ है। गौतम अडानी पर संकट की कहानी 24 जनवरी से शुरू होती है, जब अमेरिका की शॉर्ट सेलर रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग अडानी पर आरोप लगाती है। हालांकि अडानी सारे आरोपों से इनकार कर रहे हैं। हिंडनबर्ग क्या है? हिंडनबर्ग रिसर्च एक वित्तीय शोध करने वाली कंपनी है, जो इक्विटी, क्रेडिट और डेरिवेटिव मार्केट के आंकड़ों का विश्लेषण करती है। 25 जनवरी को हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप के संबंध में 32,000 शब्दों की एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में 88 प्रश्नों को शामिल किया गया। रिपोर्ट में दावा किया गया कि यह समूह दशकों से शेयरों के हेर फेर और अकाउंट की धोखाधड़ी में शामिल है। 3 सालों के शेयरों की कीमतें बढ़ाने से अडानी समूह के संस्थापक गौतम अडानी की संपत्ति $1 अरब से बढ़कर $120 अरब हो गई। रिपोर्ट में दावा किया गया कि अडानी ग्रुप दशकों से खुलम खुला शेयरों में गड़बड़ी और अकाउंट धोखाधड़ी में शामिल रहा है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद अडानी समूह ने अपनी प्रतिक्रिया दी। अडानी समूह ने इसे निराधार और बदनाम करने वाला बताया। समूह ने कहा, रिपोर्ट में इस्तेमाल तथ्यात्मक आंकड़े प्राप्त करने के लिए समूह से कोई संपर्क नहीं किया गया। यह रिपोर्ट चुनिंदा गलत और बासी सूचनाओं, निराधार और बदनाम करने की मंशा से किया गया एक दुर्भावनापूर्ण संयोजन है। इसी बीच ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में US बेस्ड फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च के खिलाफ जनहित याचिका दाखिल की गई। जनहित याचिका में हिंडनबर्ग के संस्थापक नॉथन एंडरसन के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के कारण अडानी ग्रुप के शेयरों में बहुत ज़्यादा गिरावट लगातार जारी है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार शुक्रवार को अधिवक्ता ML शर्मा की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। इस PIL में अमेरिकी शॉर्ट सेलिंग कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च और उसके संस्थापक नॉथन एंडरसन के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। इसके साथ ही इस याचिका में अडानी ग्रुप के कंपनियों में निवेश करने वाले लोगों का मुआवजा देने की भी मांग की गई है। अब एक खबर राम रहीम से जुड़ी हुई। राम रहीम की पेरोल रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी SGPC के सदस्य BS सियालका ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिसमें हरियाणा सरकार की ओर से डेरा मुखी राम रहीम की पेरोल देने संबंधी आदेश को रद्द करने की मांग की गई है।
साथ ही हरियाणा के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, गृह सचिव, रोहतक आयुक्त, सुनारिया जेल अधीक्षक, केंद्रीय गृह सचिव, पंजाब के गृह सचिव और डीसी रोहतक समेत डेरा सचसौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को प्रतिवादी बनाया गया है। याचिका पर आने वाले सोमवार को सुनवाई हो सकती है।